अभी हम लोग देखेंगे एक प्रिंटर है, कार्ड प्रिंटर है, जिसका नाम है जेब्रा ZXP Series 3। इस प्रिंटर का भी रिबन ख़त्म हो चुका है। हम लोग रिबन कैसे चेंज करते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे। अभी मेरा प्रिंटर में मैसेज भी दे रहा है आउट ऑफ रिबन। अभी फ़िलहाल अभी सबसे पहले क्या है कि मेरा प्रिंटर को हम बंद करते हैं। मेरा कंप्यूटर पे भी रिबन एरर आ गया है। सबसे पहले क्या करना है, ये पाउच बटन को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद प्रिंटर को ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद देखिए ये रिबन जो है पूरा ख़त्म हो चुका है। रिबन निकालने के लिए यहाँ पे दो नॉब है, इसको ऊपर खींचेंगे और आराम से निकल जाएगा। ये मेरा प्रिंटर जो है रिबन पूरा ख़त्म हो चुका है। ये मेरा पूरा का पूरा ख़त्म है। अब हम नया रिबन को डालेंगे। नया रिबन मेरे पास अवेलेबल है। ये है मेरा नया रिबन जो अभी सील्ड पैक है। ये प्रिंटर का ओरिजिनल वेबसाइट से ही हम लोग परचेज करते हैं। भीम आल डुप्लीकेट एंड पायरेटेड रिबन काम नहीं करेगा क्योंकि इसका हीट तुरंत ख़राब हो जाने का चांसेस रहता है। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि ओरिजिनल रिबन को ही जेब्रा का वेबसाइट से परचेज करके इसको हम लोग लगाते हैं। तभी क्या करते हैं, हम इसका पैकेट खोलते हैं। पैकेट खोलने के लिए सबसे पहले यहाँ पे दो प्लास्टिक रैपर है, प्लास्टिक रैपर को हटाएंगे। हटाने के बाद ये दोनों लॉक को हटाएंगे। उसके बाद फिर देखते हैं, प्लास्टिक का रैपर है वैसे हम लोग निकालेंगे। निकालने के बाद ये मेरा दोनों लॉक को हटाएंगे। हटाने के बाद ये मेरा नया रिबन निकल गया। ये है ब्रांडेड जो है जेब्रा ZXP IS मॉडल का है, जो कि कम्प्लीटली न्यू है। अब क्या करेंगे, इस रिबन को हम लोग ऐसे ऐसे पकड़ लेंगे। ये मो रहेगा, यहाँ पे एक प्लास्टिक रैपर रहता है, जो पेपर वाइज रैपर रहता है, इसको हम लोग हटा देंगे। हटाने के लिए थोड़ा सा आराम से हम लोग करेंगे ताकि रिबन जो है फट ना जाए। उसके बाद आराम से इसको यहाँ पे हटा दिए। इसको हम लोग यहाँ से हटा दिए। अब जो है आराम से इसको हम प्रिंटर में सेट कर देंगे। सेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग प्रिंटर को ये ऊपर वाला पीछे वाले साइड को बैठाएंगे और यहाँ पे आराम से पुश कर देंगे। पुश करने के बाद प्रिंटर का ये लॉक कर देंगे और प्रिंटर को ऑन करेंगे। रिबन चेक हो रहा है, नया रिबन लगा है, उसका चेकिंग किया जा रहा है। ये मेरा प्रिंटर जो है फाइनली रेडी हो गया। ये हमारा प्रिंटर का रिबन चेंज करने का तरीका। धन्यवाद।